वेलकम टू जस्ट मॉम किचन। आई होप दैट यू ऑल आर वेल। और हम लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो आज जो है वो मामा बनाने वाली है मिक्स वेज कोफ्ता, जिसके लिए जो है वो सब्जियां आधी काट दी हैं और आधी मुझे काटनी है। और उसके बाद जो है देखते हैं रेसिपी में क्या बनाती है, कैसे बनता है वो। और अभी तो फिलहाल अभी सब्जियां कट रही हैं और हम लोग का नया जो है वो स्टैंड भी आया है, तो उसी से हम लोग ब्लॉग को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज कैसा होता है रिकॉर्ड। और आप बताइए अभी और क्या कर रही हैं आप? बस ये कर दे रहे हैं, आलू बॉइल कर दे रहे हैं, करती रहे करती दे रहे। ओके, तो अभी हम लोग जब तक वेट करते हैं कि वो हो जाए तो फिर अपन काटेंगे। तो अभी जो है मम्मी का हो गया है, तो अब जो है वो अपन पीस लेते हैं मतलब अच्छे से काट लेते हैं मिक्सी में, उसको बस करना है। तो यहाँ की सब्जियाँ मैं बता देती हूँ कि कौन सी सब्जियाँ हैं। बाकी अभी जो है मामा चिकन पॉपकॉर्न बना रही हैं क्योंकि मेरे भाई को खाना है। तो इसलिए तो यहाँ पे जो सब्जियाँ मम्मी ने ली हैं वो है पत्ता गोभी, एक पूरा पत्ता गोभी है। बाकी ये है चुकंदर और ये गाजर लिया है। ये एक चुकंदर है और ये एक गाजर है और ये एक बड़ी वाली शिमला मिर्च है। अगर छोटी है तो फिर आप दो लीजिएगा। तो इसमें हमें इसको चॉप करना है। तो ये मतलब चॉपर टाइप का ही है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो अभी जो है हम इसको पीस लेते हैं। सबसे पहले मैं जो हूँ गाजर पीसूंगी। बस बार बार पीसना क्यों बोल रहा है, पीसूंगी मैं, अच्छे से चॉप कर लूंगी, ठीक है। और ये वाली मिक्सी मुझे इतनी चलाते अच्छे से नहीं आती है क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता है कि इसको कैसे चलाना है। तो चालू किया, ओह अभी भी नहीं चल रही है, तो लॉक हो गया। ओह अभी हुआ नहीं, हो गया हो गया। जो सब्जियां वो अच्छे से मैंने कर दी है और ब्रेड क्रम्स भी जो हमने कर दिए है, ब्रेड क्रम है। और ये क्या है मम्मी, ये अपने बादाम नहीं, 10 से 15 काजू है। और ये प्याज है, ये हमने प्याज लिया है, ये हरी मिर्च है। और ये टमाटर हमने 4 टमाटर को हमने कट कर लिया है। और ये एक चुकंदर को हमने चुनमुन ने चॉपिंग किया है, एक शिमला मिर्च है और इतना आधा मतलब एक गोभी का आधा से आधा बंधा गोभी है उसको भी चॉप है, 2 गाजर है उसे भी चॉप किया गया है। और वो पीछे जो तसला है उसका उसमें ये तो चिकन पॉपकॉर्न बच्चों के लिए बनेगा, वो आराम से बताऊंगी। पहले बहुत दिन से कुछ बना नहीं पा रहे थे तो आज मैंने बोला चलो मिक्स बच्चों को भी मिक्स वेज कोफ्ता खाना है तो वो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये सालन वाला तो सूखा रहेगा? नहीं, वो ग्रेवी रहेगा। अगर आपको सूखा खाना तो सिर्फ बिना ग्रेवी के खाइए, ना तो वैसे खाइए। तो अब मैं जा रही हूँ, पहले बच्चों को और डैडू लोग को चाय कॉफी पिला दे, फिर उसके बाद में तैयारी करूँगा। और हाँ, जो है दादा भी आ गए हैं, तो इसका जायका इसके डैडू बताएंगे, दादा बताएंगे, डैडू साथ जिसका जायका पूछेंगे कैसा बना। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे करीब, उसको मिक्स कर लें। 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फिर से बंद कर दें। अदरक लहसुन डाला, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज है, 2 प्याज हमने काट लिया था, ये डालेंगे, इसे 2 हाथ चलाएंगे। फिर इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च और ये काजू डालेंगे, इसे भी हम थोड़ा सा अच्छे से इसको पकाएंगे। थोड़ा से आधा ये बटर डालेंगे और इसमें हमने एक तेज पत्ता भी डाले हैं, प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। इसमें हमने टमाटर डाले हैं, टमाटर डाल के हम इसे 2 हाथ चलाने के बाद इसमें हम धनिया
एक चम्मच मिर्च और गरम मसाला हम डाल रहे हैं। इसे मिक्स करेंगे। नमक हमारा स्वाद अनुसार है, ये कस्तूरी मेथी ये डालेंगे, फिर अच्छे से इसे पकाएंगे। एक चम्मच कश्मीरी मिर्च डाले थे, अब ये थोड़ा सा पानी देके इसे हमें ढक के पकाना है अच्छे से। इसे हम ढक के अच्छे से पकाएंगे। अब हम ये बंधा गोभी का जो हमने किसा है वो लेंगे, ज्यादा है थोड़ा हमने कम कर दिया है। ये है हमारा गाजर, ये हमारा शिमला मिर्च है, ये हमारा चुकंदर, ये भी थोड़ा ज्यादा, इसको भी हमने कम कर दिया। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब ये हम ठंडा करें। तो अभी जो है ये हमारा रेडी हो गया है, तो इसको हमें जो अभी पीसना है। मम्मी ने अभी इसको ठंडा होने के लिए रखा था, अब जो है ये ठंडा हो गया, तो अपन इसको अच्छे से पीस लेते हैं मिक्सी में। ये हमने एक टुकड़ा पनीर है, ये भी हम इसमें पीस लेंगे, इसे लगा देंगे। अभी जो है यहाँ पे मम्मी चिकन पॉपकॉर्न तल रही है, और फिर जब हम लोग खाएंगे बाकी चाय भी रेडी होगी। तेल डालेंगे और आधा हम इसमें फिर बटर डालेंगे। मसाला तैयार किया था, पूरा मसाला हम इसमें डाल देंगे। इसको आप खाने के लिए डाल देंगे ताकि उसमें जो टमाटर वमाटर जो अच्छे से नहीं पिसा होगा अच्छे से। तो अभी जो है उसने मम्मी कोई मसाला सारा डाल रही है, जिसको हम छान के डाल रहे हैं। तो अभी जो हम लोग देखते हैं, और ये बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है मसाले की, क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें गई हैं। अभी ये हम देखो, ये पूरा पानी डाल के पूरा अच्छे से इसको अच्छे से कर लिया, ताकि पूरा मसाला इसमें आ जाए, ताकि वो बर्बाद ना हो। इसको पूरा अच्छे से कर लिया। सो अब देख रहे हैं, तो अभी और अच्छे से देखते हैं कि और आगे क्या क्या होगा। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने एक तसले में सारी किस्म की सब्जियां जो हैं जो मैंने चॉप की थी वो डाल ली हैं। उसके बाद मम्मी ने दो बॉयल आलू डाले थे बड़े वाले, और स्वाद अनुसार नमक, जिसकी वीडियो नहीं शूट हो पाई थी। सत्तू डालेंगे, अगर आपके पास बेसन है तो उसे भून लीजिए। ये हमारा सत्तू है, ये हम बिहार से मंगा के रखते हैं, इसे मिक्स करेंगे। ब्रेड क्रम्स रेडी हो रहा है, वेज कोफ्ते बना रही है ये देखिए, और ये उसका प्यूरी है, बाकी वो पता नहीं मिक्सी में। अभी जो है इसमें मम्मी ब्रेड क्रम्स लगा के रखी है दूसरी प्लेट में, तब तक जो है इंडक्शन में जो ये तेल रखा है वो गर्म हो जाएगा, और इसका तो सब कुछ रेडी हो गया था। खाना बनाते बनाते हमारा गैस खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं, तो मैं इंडक्शन पे बनाऊंगी। उससे पहले मैं इसको पोछ पाछ लूं अच्छे से। बहुत टेस्टी बनता है, अब ऐसे सूखा कोफ्ता भी खा सकते, खास करके सब्जी नहीं खा सकने के लिए तो बहुत ही। इसमें आप बीन्स भी डाल सकते हैं, राज बीन होता है ना, उसको भी चॉप करके डाल सकते हैं। हमने नहीं डाले क्योंकि मुझे मिला नहीं था, तो मैं नहीं डाली। चीज भी डाल सकते हैं, चीज नहीं डाल सकते, चीज डाले हाँ, चीज बीच में भर के डीप फ्राई करके चीज नॉर्मली खा सकते गर्मा गर्म निकल गए हैं, क्योंकि कुछ भी बहुत ज्यादा यम्मी आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि एक ऐसी खा के आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है, थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, उसमें गैस को हम बंद कर देंगे। साथ थोड़ा हम इसको भी चला लेते हैं, वरना ये नीचे से रगने लग जाएगा। ये हमारा ग्रेवी पूरा रेडी हो गया, ये हम एक एक करके कोफ्ते डाल रहे हैं।
इसको आप पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, नान रोटी के साथ खाइए। जो बच्चे चीनी खाते उनके लिए बनाइए। रेडी हो गया है। हेलो गाइस, अब मैं इसका जायका बता रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा सो गई थी, तो चुनमुन ने बोला मम्मी मैंने खाना खा लिया, आप इसका जायका बताइए। तो मैं बता रही हूँ आपको, और बहुत ज्यादा अच्छा बना था जब मैंने खाया था। तो अभी तो मम्मी नान रोटी के साथ खा रही है, मैंने नॉर्मल रोटी के साथ खाया था। कैसा है? वाकई में बहुत गजब का, बहुत जायकेदार बना है। अगर जो बच्चे सब्जी नहीं भी खाते हैं वो ये खाना सीख जाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना है। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मैं एक बार और खा के आप लोग को एक बाइट और खा के बताती हूँ। इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं ना? थोड़ा चावल जितना जायका पराठा, लच्छा पराठा, तंदूरी इसके साथ लगेगा उतना तो चावल के साथ भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको खाना तो थोड़ा सा चावल खा सकते हैं। मेरे को थोड़ा सा पनीर जैसा लगा, पनीर। मैं तो सिर्फ वाइट खाऊं। अच्छा, अगर हमारा ये रेसिपी आप लोगों को पसंद है और आप इसी चैनल पर कुकिंग भी हमारा देखना चाहते हैं, ब्लॉग भी मिलेगा आपको, बहुत अच्छे से वीडियो मिलेगा। जो हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली को ताकि वो भी ये रेसिपी बनाएं। सो टिल नेक्स्ट, बाय।